एबीपी न्यूज गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपी न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक पुवाया में स्थित भरतापुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर है। वहीं ग्रामवासियों ने बलकार सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 4000 की आबादी तथा 1700 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं बात अगर गांव में सुविधाओं की देखी जाए तो गांव में आज भी 134 परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी व जूनियर पाठशाला में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 28 हैंडपम्प, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर, 100 विद्युत पोल के साथ साथ 20 सोलर लाइटें भी गांव में लगी हुई हैं। वहीं ग्राम प्रधान के प्रयासों से गांव में 300 मीटर सीसी कार्य, 6 गली, सीसी टाइल्स रोड, स्कूल की 4 दीवारी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 120 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 प्रधानमंत्री आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 150 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। विकास कार्य काफ़ी कराए हैं, इंटरलॉकिंग, आरसीसी, स्कूल बाउंड्री, शौचालय और जो भी जितना हो सका बहुत ज़्यादा कराया। मगर हमारा सरकार को संदेश है कि हम लोगों को ना तो मानदेय, मतलब मानदेय नामात्र है, जिसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। कम से कम 10,000 रुपये तो मानदेय हो और सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान दे, ग्राम पंचायतों का काम कराने के लिए, मतलब विकास कार्य के लिए पैसा दे। बहुत से काम हैं, जैसे इंटरलॉकिंग होनी है, आरसीसी होनी, बाकी पानी व्यवस्थाएं हैं, तो शौचालय हैं अभी बाकी, उसके बाद में आवासों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। की बाउंड्री, कब्रिस्तान है, यहाँ पर ना बाउंड्री वाल है ना कोई है, केंद्र नहीं हमारे यहाँ है, पंचायत घर नहीं हमारे यहाँ है, क्योंकि बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम लोगों को बड़ा दिक्कतें हैं। बारात घर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था के लिए टंकी होनी चाहिए, उन दिनों में गाँव में 2-3 दिन तो हुई जिससे कि मान लो गाँव को पानी मिलता है। इस टाइम तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लतें हैं और जो कि इस टाइम नल भी नहीं हमारे पास है, इतना जो कि हम लोग